ग्राम छुहिया में किसान के आत्महत्या मामले में भाजपा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप। राजधानी रायपुर भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के खल्लारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छुहिया में एक किसान ने आत्महत्या कर ली, जिसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार है। उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसानों को 50 लाख का मुआवजा दिया था, उसी तरह इस किसान के परिवार को भी मुआवजा देना चाहिए। कुनीतियों के चलते छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान को फिर से आत्महत्या करना पड़ा। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है। किसान के फसल बर्बाद हो गया, लोड की समस्या है, किसान को फसल बीमा का मुआवजा भी नहीं मिला और इसके चलते किसान को आत्महत्या करनी पड़ी। दूसरे प्रदेश में जाकर के किसानों को 50 लाख रुपया देने वाले भूपेश बघेल आपको छत्तीसगढ़ में किसानों को देने के समय सांप क्यों सूंघ जाता है? आपने इसको सिर्फ 20,000 रुपया देने का ये दुस्साहस क्यों किया? इसके परिवार को भी आप 50 लाख रुपया दें। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं इसकी आत्महत्या के कारणों का, और इस परिवार में जो बेरोजगार बच्चे हैं, जिनको किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, जो 12वीं कक्षा से ज्यादा पढ़ रही हैं, ऐसे बच्चों में से एक बच्चे को आप सरकारी नौकरी दें और यह करके इस परिवार को राहत पहुंचाएं। ये हमारी सरकार से मांग है।